छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार तीजा पोरा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 70 लाख माता बहनों के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान 7वीं किस्त के रूप में DBT मोड के जरिए किया। इसे मिलाकर अब तक 4578 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कर महिलाओं को पोषण माह की शपथ भी दिलाई और सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को तीजापोरा महतारी वंदन तिहार के लिए मुख्यमंत्री निवास की विशेष सजावट की गई। छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री निवास में रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजा मनाने आई तिजारिन बहनों को तीजा की बधाई दी और सपत्निक शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। से 4 दिन बाद तीजा का त्यौहार है, आज यहाँ पर तीजा का भी उत्सव रखा गया था, तो तीजा का भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को अग्रिम में तीजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज यहाँ प्रदेश भर से बहने इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सरकार के आमंत्रण पर उपस्थित हुई हैं, शामिल हुई हैं। सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। और इस समारोह में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी शामिल हुए, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, और जो आयोजन जिनका है महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी वो उपस्थित हुई, हमारे लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और कई हमारे विधायकगण इसमें शामिल हुए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को हम लोग मनाए हैं। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में माता और बहनें उपस्थित थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश TV।